नंबर टू पार्ट नंबर वन इसके अंदर इस तरह से है कि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स प्लस थ्री आयोटा टू आयोटा ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं ये दोनों आपसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये टू है और सेवन माइनस टू आटा प्लस थ्री आयोटा सेवन माइनस टू आटा है तो इनको हल कर दें टू इंटू सेवन आएगा फोरटीन और ये आएगा फोर आयोटा ये आएगा ट्वेंटी वन आयोटा और माइनस थ्री आर सिक्स आयोटा आ जाएगा तो फोर्टीन अच्छा ये देखें ये आयोटा है ये भी आयोटा है तो फोर्टीन इन दोनों को सॉल्व कर लें ट्वेंटी वन में से फोर निकाल दें तो यहां पर आएगा प्लस सेवनटीन आयोटा अच्छा ये -6 है। ये है है बात हम जानते हैं आयोटा होता है -1। तो यहां से 14 प्लस 17 आयोटा और प्लस सिक्स हो जाएगा बिकॉज यहां रीजन बता दें आयोटा स्केर इक्वल टू माइनस वन तो इन दोनों को ऐड कर दें तो ये आ जाएगा ट्वेंटी प्लस सेवनटीन आयोटा तो हमने ये किया कि हमने टू प्लस थ्री आयोटा और सेवन माइनस टू आयोटा को लिख दिया सिंप्लीफाइड फॉर्म में यानी कि रियल पार्ट अलग हो गया इमेजिनरी पार्ट है, अलग हो गया हम जब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो हमें ये यह चीज हासिल होती है कि उसका रियल पार्ट अलग हो जाता है और एमेजनरी पार्ट है अलग हो जाता है यानी किसी भी नंबर को हमने एक्स प्लस आयोटा वाली फॉर्म में लिखना होता है जैसे इसका आखिरी जो पार्ट है उसको सॉल्व कर लेते हैं पार्ट नंबर फोर देखें इसमें टू आयोटा स्क्वेर गिवन है प्लस सिक्स आयोटा क्यूब भी गिवन है प्लस थ्री आयोटा पावर सिक्सटीन है माइनस सिक्स आयोटा पावर नाइनटीन है और प्लस फोर आयोटा पावर ट्वेंटी फाइव है तो देखें टू आयोटा स्केर होता है माइनस वन सिक्स अच्छा इसको ब्रेक कर लेते हैं देखें इसको यहां साइड पे सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए चीजों को कंट्रोल करने में यहां देखें ये यह आयोटा क्यूब है तो इसको लिखूंगा मैं आयोटा स्केयर इंटू आयोटा आयोटा स्केयर होता है माइनस वन इंटू आयोटा तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा तो यहां लिख दें सिक्स के साथ आयोटा क्यूब था तो माइनस आयोटा प्लस थ्री अब सिंपलीफाई करते हैं आयोटा पावर सिक्सटीन को ये देखें इसको लिखेंगे आयोटा स्क्य पावर बायर लिख देंगे एट आयोटा स्क्य होता है माइनस वन पावर एट यानी कि प्लस वन आ जाएगा तो यहां लिख देंगे प्लस न, 6 अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं आयोटा पावर नाइनटीन को इसको लिखेंगे आयोटा पावर एटीन इंटू आयोटा इसको फर्दर ब्रेक कर दें तो आयोटा स्क्र होता है माइनस वन नाइन माइनस वन पावर नाइन होती है माइनस वन और ये आयोटा तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस आयोटा जब भी नेगेटिव पावर लेंगे और तो नेगेटिव आएगा माइनस वन की पावर नाइन है तो माइनस वन आएगा तो इसका आंसर लिखेंगे माइनस आयोटा और प्लस फोर है आयोटा पावर ट्वेंटी फाइव को सिंप्लीफाई करते हैं इसका ये होगा यहां देखें आयोटा पावर ट्वेंटी फाइव है आयोटा पावर ट्वेंटी फोर इंटू आयोटा आयोटा स्क्यर बाहर लिख लें ट्वेल्व इंटू आयोटा तो आयोटा पावर स्क्यर होता है माइनस वन माइनस वन पावर ट्वेल्व इंटू आयोटा अच्छा माइनस वन पावर ट्वेल्व होता है प्लस वन तो सिंपली हमारे पास यह आ जाएगा आयोटा आ जाएगा तो so, इसको लिख लें इंटू आयोटा अब लिखें दोबारा इसको माइनस टू माइनस सिक्स आयोटा प्लस थ्री प्लस सिक्स आयोटा प्लस फोर आयोटा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे अच्छा माइनस टू प्लस थ्री क्या रह जाएगा वन और ये आ गया फोर आयोटा वन प्लस फोर आयोटा ये इसका आंसर आ गया इसके अंदर पावर इन्वॉल्व हो रहे थी आयोटा स्क्वायर होता है माइनस वन आयोटा क्यूब को सिंप्लीफाई किया माइनस आयोटा आयोटा पावर 16 को सिंप्लीफाई किया प्लस वन आ गया आयोटा पावर 19 को सिंप्लीफाई किया माइनस आयोटा आ गया आयोटा पावर 25 को सिंप्लीफाई किया तो वो आयोटा आ गया हमने पुट किया कैंसलेशन हुई सिंप्लीफाई होके अलग अलग आंसर आ गया रियल पार्ट अलग हो गया अम्बाइनरी पार्ट है अलग हो गया इस सवाल की जो रिक्वायरमेंट थी वो ये था कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं था हमने उसको सिंप्लीफाई किया और रियल पार्ट को अलग लिख लिया इमेजिनरी पार्ट को अलग लिख लिया रियल पार्ट होता है विद आयोटा वाला पार्ट और जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो विद आयोटा वाला पार्ट होता है थैंक यू